राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है, इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है, घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है, ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटी प्रयोग उसे हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी, तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है बहुत दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है।
हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल, फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, ऊर्जा आती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही है वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटस में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी, मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़का पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए, आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें।
उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दे, पंचोपचार पूजन कर दे और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माँ लक्ष्मी का शरीर 20 मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की दो लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर दो घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं जो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है ये। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।